नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की राजनीति में बिजली युद्ध परवान पर चढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के दरमियान वार पलटवार के बीच मामले में नया मोड़ आ गया है। बिजली कंपनी BSES के सूत्रों की ओर से जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सतीश उपाध्याय की कोई कंपनी BSES की ओर से दिए ठेके में शामिल नहीं है। दिल्ली बीजेपी महासचिव आशीष सूद की कंपनी को ठेका दिया गया था, लेकिन 2012 के बाद उसे भी बंद कर दिया गया। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि सतीश उपाध्याय के नाम से 6 कंपनियां हैं और बिजली कंपनियों से उनके सांठगांठ की बात कही थी, जिसके बाद से ये वार पलटवार शुरू हुआ है। इस बीच सतीश उपाध्याय ने कहा कि अगर कोई भी सबूत हो तो वो संन्यास ले लेंगे राजनीति से, नहीं तो अरविंद केजरीवाल को संन्यास लेना होगा। और न्यूज रूम से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुणाल, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है। श्वेता, कल से जब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे सतीश उपाध्याय पर आरोप लगाए थे कि उनका जो बिजली के मीटर लगाने वाली कंपनी है उससे लेना देना है, और दिल्ली में जो बिजली के तेज भागते मीटर हैं उसे सीधे सीधे सतीश उपाध्याय की कंपनी का लेना देना है, उसके बाद सतीश उपाध्याय ने भी इस पूरी बात का खंडन किया था। अब सियासी बात तो एक तरफ, जो हमें BSES के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सीधे सीधी बात ये निकल कर आ रही है BSES की तरफ से कि सतीश उपाध्याय की किसी भी कंपनी को कभी ठेका नहीं दिया गया था। जहाँ तक बात है आशीष सूद जो कि बीजेपी के दिल्ली महासचिव हैं, उनकी कंपनी को ठेके देने की बात तो उन्हें दिया गया, लेकिन उन्होंने भी उनकी भी कंपनी को 2012 मार्च के बाद कोई ठेका नहीं दिया गया है। तो ये एक तरीके से BSES की तरफ से ये बात आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर अब सियासत इस पूरे मसले पर गरमाएगी। इसलिए BSES भी साफ तौर पर इस पर खुलकर कोई बात नहीं बोल रही है, क्योंकि चुनावी माहौल है, इसलिए खुलकर तो नहीं आ रही है, लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे अंदर से उससे यही सब कुछ निकल कर आया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर अरविंद केजरीवाल और सतीश उपाध्याय की सियासी जंग गहराती जा रही है, जहां एक ओर केजरीवाल आज शाम सबूत पेश करने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सतीश उपाध्याय चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अभी तक सबूत नहीं मिले हैं और वो आज ही केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का दावा भी करेंगे। सतीश उपाध्याय, प्रभात झा और रमेश विदोड़ी अब से कुछ देर बाद चुनाव आयोग पहुंचने वाले हैं। तो हम आपको बता दें, ये पूरा मामला तब से गर्माया है जब से अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं सतीश उपाध्याय के बिजली कंपनियों से सांठगांठ के। और अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर सतीश उपाध्याय ने किस तरह से पलटवार किया है, आइए सुनते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के साथ बिजली कंपनियों के सांठगांठ होने के आरोप लगाए हैं। खुद सतीश जी हमारे साथ हैं। सर, 12 घंटे की मोहलत आपने दी थी अरविंद केजरीवाल को, समय सीमा समाप्त हो गई, क्या एक्शन लेंगे अब आप? देखिए, हमने कहा था कि उनको ये एविडेंस देने चाहिए। दो बातें उन्होंने कही थी कि हमारी 6 कंपनियां हैं, उनकी PC में था। 2 कंपनियां जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ है और NCNL के साथ, हमने NCNL ने उसमें काम किया है। एक तो NCNL ट्रांसको मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक NCNL पावर लिमिटेड। मैंने कल कहा था कि ये कंपनी के बारे में एविडेंस दें। ना तो ये कंपनी बनी, ना कभी इनकॉर्पोरेट हुई, ना इसका कोई अकाउंट खुला और ना ही इसमें कोई कंपनी खुली, तो ट्रांजेक्शन कहाँ से होगा। और इसके लिए हमने कहा था कि या तो उनको एविडेंस देना चाहिए, हमारे पास तो कोई एविडेंस आया नहीं। और इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन में भी इनकी कंप्लेंट करने जा रहे हैं और आज डेफामेशन, क्रिमिनल डेफामेशन सूट भी इनके खिलाफ डालेंगे, वो भी हम कर रहे हैं और वो भी आज ही करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने मीटर सप्लाई किए हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमने एक भी मीटर किसी भी पावर कंपनी को, इंक्लूडिंग BSES, हमने आज तक ना परचेस किया और ना ही हमने सप्लाई किया। दूसरा, जिन कंपनियों के बारे में कहा, उन कंपनियों में किसी में पावर का कोई ट्रांजेक्शन आज तक किसी, इंक्लूडिंग BSES, किसी कंपनी से हुआ ही नहीं। तीसरा, हमने कहा था कि NCNL इन्फो मीडिया, जिसमें हम 2005 से लेकर के 2012 तक हमने पावर सेक्टर में जॉब ओरिएंटेड वर्क किए हैं, जिसमें
टावर इरेक्शन का है, केबल लिंक का है, मीटर इंस्टॉलेशन का है, ये इस तरह के जो जॉब ओरिएंटेड वर्क हैं वो हमने अलग अलग कंपनियों के लिए इंक्लूडिंग BSES, टॉरेंट पावर, फेडस लॉयड, इन कंपनियों के लिए हमने काम किया। कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ कि कोई बिजनेस करना, हमने कोई इसमें इरेगुलरिटीज की तो हमको कोई बताए, हमने कोई इसमें बेईमानी की तो हमको बताएं, ये हमारा काम है। मेरे साथ आशीष सूद थे, डायरेक्टर थे। 2012 में जब हम पार्षद बने तो ऑन हाई मॉरल ग्राउंड हमको लगा कि अब ये काम, चूंकि BSES दिल्ली सरकार में, इसमें हमको काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जब की थी उसके बाद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये भी पूछा था, क्या 2012 से पहले आपने काम किया था बिजली कंपनियों के साथ, उनको मीटर बेचे थे, खरीदे थे क्या? मैंने आपको कहा ना कि 2012 से पहले ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग हमने एक भी मीटर न खरीदा न सेल किया। ये मैंने कहा ना, हमने किया ही नहीं। ये जो ट्विस्ट कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि बार बार हमको जो कह रहे हैं कि हमने बिजली कंपनी, मैंने कहा ना इंक्लूडिंग BSES, इंक्लूडिंग फेडरल ऑयड, इंक्लूडिंग टॉरेंट पावर, इसमें हमने तमाम वर्कर रिलेटेड काम जो है, जिसमें हमको केवल जॉब्स होते हैं, जिसमें आप फॉल्ट रिपेयर करते हैं, जिसमें आप केबल लिंक करते हैं, जिसमें आप मीटर इंस्टॉलेशन भी करते हैं, हमने तो ये कल भी कहा पीसी में। इसके अलावा 2012 के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, एक वेंडर रजिस्ट्रेशन होता है जो कंपनियां करती हैं, किसको काम कराना नहीं कराना, वो उनके यहाँ BSES ने कोई रजिस्ट्रेशन वेंडर किया हुआ है 2015 तक के लिए, हमारे को उसकी कोई जानकारी नहीं है, इसमें कोई हमको पता नहीं इसके बारे में क्या उनका पॉलिसी है। 2012 मार्च के बाद, अप्रैल के बाद हमने कोई काम किया ही नहीं उसमें। तो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को आपने सुना। इस बीच दिल्ली बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रभात झा से बात की आज तक संवाददाता रीमा पराशर ने, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ अब धावा बोल रहे हैं। सतीश उपाध्याय के खिलाफ कल आरोप लगाए और आज कुछ सबूत देने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रभात झा, दिल्ली बीजेपी के प्रभारी और वरिष्ठ नेता। प्रभात जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आज वो सबूत देंगे। कल सबूत नहीं था उनके पास? कल क्या उन्होंने बिना सबूत की बातें कह दी थी? अपने ही झूठों में उलझना, ये अरविंद केजरीवाल का सगल है और इसलिए मैं उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और जनता उनकी बातों पर अब भरोसा नहीं करती है, क्योंकि दिल्ली में 2013 से झूठ बोलना शुरू किया और उसका अंत हो गया था बनारस में, लेकिन फिर से शुरू कर दिया है। अब उनकी मजबूरी है झूठ बोलना, इसके सिवा उनके पास कुछ भी नहीं। उन्होंने ट्वीट किया और कहा है कि सतीश उपाध्याय ने कहा था अगर सबूत देंगे तो वो राजनीति से संन्यास लेंगे, अपना पद छोड़ेंगे, सबूत आज वो देने वाले हैं। तो क्या ऐसा होगा कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष अब इस्तीफा दें? कल 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक 24 घंटे के चैनल चलते हैं, वहाँ क्यों नहीं प्रस्तुत किया सबूत? झूठ के पैर नहीं होते, ऐसी बातों पर कोई जवाब देना अनिवार्य नहीं। लेकिन राजनीति से संन्यास लेने की जो बात उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अब सतीश उपाध्याय को ले लेना चाहिए। निश्चित तौर पर सतीश उपाध्याय जी ने गंभीरता से कहा है और झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के कोई जमीन नहीं होती है और ऐसे झूठे आरोपों से सतीश उपाध्याय जी कहीं किसी इसमें है नहीं, कहीं किसी दौड़ में नहीं है, कहीं किसी व्यवसाय में नहीं है। बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कल कहा था कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है, इसलिए सबूत का सवाल ही नहीं है। और मैं जानता हूं सबूत होता तो कल ही प्रस्तुत करता अरविंद केजरीवाल। और इस मसले पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए कुछ कहा है। ये कहा है, सतीश उपाध्याय ने कहा था कि वो राजनीति छोड़ देंगे अगर मैं सबूत दूंगा। आज हम लोग सतीश उपाध्याय के खिलाफ सबूत पेश करेंगे। उम्मीद है कि सतीश उपाध्याय अपने कल के वादे पर अमल करेंगे और राजनीति छोड़ देंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कहा किया है और ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अपने कल के वादे पर सतीश उपाध्याय कायम रहेंगे क्योंकि आज मैं अपना सबूत पेश करूंगा। केजरीवाल की चुनौती पर क्या कहना है आप नेता योगेंद्र यादव का? और बीजेपी ने 3 नए चेहरों के शामिल होने की खबर तेज हो गई है। आपको बता दें ये नाम है शाजिया इल्मी, किरण बेदी और जयप्रदा। कहा जा रहा है कि आज या कल तक शाजिया और किरण बेदी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व समाजवादी पार्टी सांसद जयप्रदा भी बीजेपी में शामिल हो सकती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ही इन नेताओं पर आखिरी फैसला लेंगे। तो 3 नामों पर जोरों की चर्चा है जिसमें शाजिया इल्मी, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रमुख संस्थापक सदस्यों में से एक रही थी, जानी मानी टीवी पत्रकार भी रही थी, 15 साल तक का उनका करियर रहा है टीवी पत्रकारिता में और उसके बाद अन्ना हजारे के मूवमेंट में वो शामिल हुई, जिसके बाद बड़ी सफलता के बाद आम आदमी पार्टी जब बनी तो संस्थापक सदस्य के तौर पर आम आदमी पार्टी में रही, लेकिन मतभेद हुआ और उसके बाद मई 2014 में आम आदमी पार्टी से अलग।